डिक्टेशन गति 100 शब्द प्रति मिनट स्टार्ट। महोदय, आर्थिक पर्यावरण में सब तरफ समायोजन होने लगा है। कृषि के क्षेत्र ने आर्थिक पुनरुत्थान में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और वास्तव में तो इससे हमारी अर्थव्यवस्था के बाकी सभी क्षेत्रों को गति मिली है। हमारे खाद्यान्न का भंडार 3 करोड़ टन से अधिक और हमारा विदेशी मुद्रा का भंडार लगभग 20 अरब डॉलर का है। इससे हमें अपने पर विश्वास भी होता है और आश्वासन भी मिलता है। यह सचमुच 1991 की परिस्थितियों के मुकाबले भारी परिवर्तन है। आज हम जो यह पुनरुत्थान देख रहे हैं, निस्संदेह यह हमारी कड़ी मेहनत और अत्यधिक प्रयासों का फल है। गांव में किसान ने कड़ी मेहनत की है, कारखानों में मजदूर ने कड़ी मेहनत की है और ऐसे ही मैनेजरों या प्रबंधकों और उद्योग के अग्रणी व्यक्तियों ने की है। 1991 में हमने जिन सुधारों की घोषणा की थी उसे व्यापक स्वागत और समर्थन मिला है और उसी के परिणाम स्वरूप यह संभव हुआ है कि हम सब मिलकर देश को संकट से उबार सकें। चाहे इसे आप किसी भी स्तर से मापिए, यह एक भागीरथ प्रयास था। अब तक हमें जो सफलता मिली है उससे हमें उत्साह मिलना चाहिए और हमें नई प्रतिबद्धता के साथ आगे बढ़ना चाहिए। मैंने यह कई बार कहा है कि किसी भी प्रयास के सफल होने की सबसे पक्की गारंटी यह होती है कि उसके पीछे आम सहमति हो। हमारे सुधार अब तक इसलिए आगे बढ़ सके हैं कि उन्हें व्यापक स्वीकृति मिली है। अब तक मेरा यह प्रयास रहा है, अब भी यही प्रयास है और आगे भी यही प्रयास रहेगा कि इन सुधारों पर आधारित हमारी आर्थिक नीतियों के पैरामीटर को आम सहमति मिलनी चाहिए ताकि यह नीति सच्चे अर्थों में स्थिरता ला सके। आज जब मैं स्थिति का जायजा ले रहा हूं, तो मुझे यह देखकर प्रोत्साहन मिलता है कि सचमुच में ऐसी ही स्थिति है। मुझे निश्चय है कि सभी राज्य यह चाहते हैं और यह उनकी आवश्यकता भी है कि तेजी से औद्योगीकरण हो। निजी क्षेत्र में भी कुछ राज्य सरकारें कभी कभी केंद्रीय सरकार से इसलिए रुष्ट हो जाती हैं कि वह उन्हें उतना धन नहीं देती जिसकी वे मांग करती हैं, परंतु उनकी नाराजगी इसलिए कम हो जाती है क्योंकि वे जानती हैं कि केंद्रीय सरकार के पास भी उसी प्रकार का धन नहीं होता जिसकी वे मांग करती हैं। वे सरकारी क्षेत्र में उद्योगों की मांग करती हैं जो उचित भी है, परंतु फिर वे अनिच्छापूर्वक इस बात के लिए सहमत हो जाती हैं कि वे उद्योग निजी क्षेत्र में खोले जाएं और उसके पीछे सबसे बढ़िया कारण यह है कि वे भी जनता के लिए आवश्यक हैं। इस तरह के विभिन्न कारणों से इन सुधारों या उनकी भावना के प्रति आम सहमति हो गई है। मैं और किसी चीज की मांग नहीं कर रहा और मैं बिना किसी हिचक के आज या घोषणा करना चाहूँगा। महोदय,
भारतीय उद्योग परिसंघ के शताब्दी समारोहों के अवसर पर यहाँ आकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है। इस बात का विशेष महत्व है कि ये समारोह कलकत्ता में हो रहे हैं। हमारे देश के औद्योगिकरण में इस शहर ने अग्रणी भूमिका निभाई है। कलकत्ता हमारा पहला औद्योगिक व व्यापारिक केंद्र था, जहां विशेष रूप से चाय, पटसन और इंजीनियरी उद्योगों से संबंधित गतिविधियां केंद्रित थीं। अपनी महत्वपूर्ण सामरिक स्थिति के कारण यह पूर्वी भारत की प्रगति और अभिवृद्धि का मुख्य केंद्र बना रहेगा। हमारी नई नीतियों के परिणाम स्वरूप जिस नई पहल और प्रेरणा का प्रादुर्भाव हो रहा है, उससे मेरा विश्वास है कि कलकत्ता शहर का और इस सारे क्षेत्र का कायापलट हो जाएगा। मैं आपको बिल्कुल अभी हाल में प्राप्त एक महान सफलता के लिए बधाई देता हूँ और यह इस क्षेत्र के औद्योगिकरण के लिए एक बड़ा अच्छा शकुन है। चीज़ें इतनी बदल गई हैं कि कल तक जो विरोधी थे वही आज रक्षक बन गए हैं और यह सचमुच में बड़ी खुशी की बात है। इसी खुशी के मौके पर मैं भारतीय उद्योग परिसंघ को बधाई देता हूँ। सन 1895 में केवल 5 इंजीनियरिंग कंपनियाँ इसकी सदस्य थीं। आज इसमें इतना बदलाव आया है कि यह 3000 सदस्यों वाला एक शीर्ष संगठन बन गया है, जिसमें बड़े, मध्यम और छोटे सभी उद्योग शामिल हैं और यह वास्तव में एक शानदार सफलता है। आपके संगठन में सभी विविध प्रकार के व्यावसायिक और औद्योगिक हितों का समावेश है। आपने यह फासला इतनी सफलता से तय किया है कि अगली दीर्घ यात्रा भी अच्छी तरह पूरी होने की आशा बलवती हो जाती है। जब हम यात्राओं की बातें कर रहे हैं तो इस अवसर पर यह विचार करना भी उचित ही होगा कि हम कहां पर थे, आज हम कहां हैं और हमारा लक्ष्य कहां जाने का है। 1991 में हमने जिस गंभीर आर्थिक संकट का सामना किया था, मुझे उसके विस्तार में जाने की कोई जरूरत नहीं। आज आप जितने लोग यहाँ उपस्थित हैं, उन सबको उस संकट के बारे में व्यक्तिगत और प्रत्यक्ष जानकारी है। यह भी अच्छी बात है कि लगता है कि लोग संकट के उन दिनों को भुला बैठे हैं और मानव प्रकृति का यह बहुत अच्छा गुण है। इसलिए आइए यह देखें कि आज हम कहाँ खड़े हैं। जैसा कि आपको भी लगता है कि हमारी अर्थव्यवस्था पुनः उठ रही है और विशेषकर उद्योग के क्षेत्र में, निर्माण के क्षेत्र में वर्ष के पहले 4 महीनों में जो 9% की वृद्धि हुई है, वह निस्संदेह उत्साहजनक है। चूंकि यह प्रगति बड़ी व्यापक है और औद्योगिक क्षेत्र के सभी खंडों में हुई है, इससे हमारी अर्थव्यवस्था को बड़ा बल मिला है। पिछले 3 वर्षों में उद्योगों की आधारिक संरचना में निरंतर सतत प्रगति दिख पड़ती है। उपभोक्ता वस्तुओं के निर्माण में भी लगातार सुधार हो रहा है। स्टॉप।